आज हम बात करेंगे लोशन एंड लिनमेंट्स के बारे में। तो लोशन एंड लिनमेंट्स हम किस में पढ़ते हैं? मोनोफेजिक सॉल्यूशन होता है और ये लिक्विड या सेमी लिक्विड प्रिपरेशंस होते हैं। तो हमें डिफरेंस नहीं देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे लोशन क्या होता है, लिनमेंट क्या होते हैं। एक सिंगल डिफरेंस होता है जो दोनों को डिफरेंशिएट करता है, बट मैक्सिमम चीज़ें इनमें कॉमन ही होती हैं। तो लोशंस क्या होते हैं? लोशंस लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं, और लिनमेंट्स लिनमेंट्स लिक्विड भी हो सकती हैं या सेमी लिक्विड प्रिपरेशंस भी हो सकती हैं। लोशंस को हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं स्किन पे, और लिनिमेंट्स को भी हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं स्किन पर। नेक्स्ट, यूजली अप्लाइड टू द स्किन विदाउट फ्रिक्शन, एंड लिनिमेंट्स यूजली अप्लाइड टू द स्किन विथ फ्रिक्शन एंड रबिंग द स्किन। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लोशन एंड लिनिमेंट्स। लोशंस को हम विदाउट फ्रिक्शन स्किन पर अप्लाइड करते हैं, एंड जो लिनिमेंट्स होते हैं उनको हम विथ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मीन्स रगड़ के साथ, विथ फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं या स्किन पे रफ करके अप्लाई करते हैं लिनिमेंट्स को। यही दिस इज द मेन डिफरेंस, यही मेन डिफरेंस है लोशंस और लिनिमेंट्स के बीच में। नेक्स्ट, एल्कोहल इज समटाइम इंक्लूडेड इन एक्वस लोशंस फॉर इट्स कूलिंग एंड सूदिंग इफेक्ट्स। मेनली कभी कभी लोशन जो बनाते हैं तो उनमें हम एल्कोहल यूज़ करते हैं। क्यों एल्कोहल यूज़ करते हैं? जो एल्कोहल क्या करता है, कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि एग्जाम्पल है सैलिसिलिक एसिड लोशन। लिनिमेंट्स मे बी एल्कोहलिक और ऑयली सोल्यूशंस और इमल्शंस। इन एल्कोहलिक लिनिमेंट्स एल्कोहल हेल्प्स इन पेनिट्रेशन ऑफ मेडिकामेंट्स इन टू द स्किन एंड आल्सो इंक्रीजेज इट्स काउंटर इरीटेंट एंड रूबीफेसेंट एक्शन। जो लिनिमेंट्स होते हैं वो मेनली एल्कोहलिक प्रिपरेशंस भी हो सकते हैं, ऑयली सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, इमल्शंस भी हो सकते हैं। एल्कोहलिक लिनिमेंट्स में जो अल्कोहल होता है वो क्या करता है, स्किन में जो मेडिकामेंट है उसके पेनिट्रेशन में हेल्प करता है और इसके काउंटर इरिटेंट और ड्यूविफेसियंट एक्शन को बढ़ाता है। काउंटर इरिटेंट मीन्स काउंटर इरिटेंट उनको बोलते हैं जो क्या करते हैं, जब स्किन पर अप्लाई किए जाते हैं तो रेडनेस कॉज करते हैं, इरिटेशन कॉज करते हैं और जो अंदर जो डीप लेयर्स में जो इन्फ्लामेशन है उसको क्या करते हैं, कम उसको हटाते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं, उसको कम करते हैं। तो काउंटर इरिटेंट इसीलिए इसका नाम है काउंटर इरिटेंट, जो कि इरिटेशन कॉज करता है। जब उसको अप्लाई करेंगे तो इरिटेशन होगा, लेकिन इसका काम क्या होता है कि जो अंदर की लेयर्स होती हैं उसमें क्या करता है, ये इन्फ्लामेशन को कम करता है। एंड यूवी फेसियंट एक्शन क्या होता है, यूवी फेसियंट एक्शन इसको बोलते हैं जब लिनिमेंट्स को स्किन पर अप्लाई किया जाता है क्या करता है, रेडनेस कॉज करता है। बट किस लिए यूज़ करता है, यूज़ होते हैं यूवी फेसियंट एक्शन का क्या मतलब होता है, ये पेन से आराम दिलाता है, या एक्यूट या क्रॉनिक पेन होता है उससे आराम दिलाता है। लोशंस मे बी यूज फॉर लोकल एक्शन एज कूलिंग सूदिंग एंड प्रोटेक्टिव एक्शन, प्रोटेक्टिव पर्पस। तो आपको लोशन और लिनिमेंट दोनों का काम समझ में आ गया होगा। लोशंस का क्या काम है, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए यूज़ होता है। एंड जो लिनिमेंट्स होते हैं वो काउंटर इरिटेंट रूबीफेसेंट एक्शन के लिए यूज़ होते हैं। जनरली जो लोशंस होते हैं उनका एंटीसेप्टिक एक्शन भी होता है, जैसे कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कैलामाइन लोशन, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, जो कि हमारा लिविंग सरफेस पे अप्लाई किए जाते हैं टू किल दी बैक्टीरिया या टू किल दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो हमारे क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक। तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंटीसेप्टिक एक्शन। और इसका एग्जांपल है लोशन में कैलामाइन लोशन। इन ऑयली लिनिमेंट्स एरेकिस ऑयल इज कॉमनली यूज विच स्प्रेड मोर इजली ऑन द स्किन। जो हमारा एल्कोहलिक जो लिनिमेंट्स है उसमें अल्कोहल का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि वो जो हमारा मेडिकामेंट है उसका स्किन में पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। ऐसे जो ऑयली लिनिमेंट्स है उनमें हम एरेकिस ऑयल यूज़ करते हैं। एरेकिस ऑयल का क्या काम होता है, वो जब हम लिनिमेंट्स को स्किन पर अप्लाई करते हैं तो ईजिली जो लिनिमेंट होता है हमारा स्किन पर ईजिली फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। ऐसे ही ऑयली लिनिमेंट्स में हम कभी कभी सोप का यूज़ भी करते हैं। सोप भी क्या करता है, यही सेम काम होता है, ईजिली स्प्रेड करता है हमारे जो भी लिनिमेंट्स है उसको स्किन पर। नेक्स्ट हम देखते हैं कंटेनर्स कौन से यूज़ होते हैं। तो लोशन और लिनिमेंट में सेम कंटेनर यूज़ होते हैं, कलर्ड फ्लटेड बॉटल्स होती हैं इसको स्टोर करने के लिए लोशन और लिनिमेंट्स को। कलर्ड फ्लटेड बॉटल्स, कलर्ड मीन्स जो हमारे हल्की सी ट्रांसपेरेंट, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट बॉटल्स नहीं होती, हल्की ट्रांसपेरेंट बॉटल्स होती हैं जो कलर्ड होती हैं, उसमें हम लोशन और लिनिमेंट को स्टोर करते हैं। सेम देख लीजिए, कंटेनर्स में लोशन शुड बी डिस्पेंस्ड इन कलर्ड फ्लटेड बॉटल्स एंड लिनिमेंट्स शुड बी डिस्पेंस्ड इन कलर्ड फ्लटेड बॉटल्स। नेक्स्ट बात करते हैं लेबलिंग। दोनों में दो लेबलिंग कॉमन होती हैं, लोशन और लिनिमेंट पे
जो हमारा लोशन और लिनिमेंट के लेबल आप जब देखेंगे बॉटल्स पे, तो लिखा होता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, क्योंकि हम एक्सटर्नली या बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इससे मेंशन होता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली एंड शेक वेल बिफोर यूज। यूज करने से पहले क्या करना है, शेक करना है, मीन्स हिलाना है। क्यों? ताकि जो उसमें मेडिकामेंट है अगर वो नीचे बैठ गए हैं तो ईजिली उसमें स्प्रेड हो जाए पूरे हमारे बॉटल में। नेक्स्ट, लेकिन जो लिनिमेंट्स की लेबलिंग, एक वार्निंग होता है लिनिमेंट्स के लेबल पे, जो कि क्या होता है, नॉट टू बी अप्लाइड टू ओपन वुंड्स और ब्रोकन स्किन। क्यों? क्योंकि जो अगर हम लिनिमेंट को कभी कहीं घाव होगा या कहीं ब्रोकन स्किन होगी, कटी स्किन होगी, उस पर अप्लाई करेंगे लिनिमेंट्स को, तो क्या होगा, इरिटेशन कॉज करेगा। बट लोशंस के केस में ऐसा नहीं होता है। तो ये दो डिफरेंस आपके लोशन और लिनिमेंट में मिल गए। लोशन में ये लेबलिंग नहीं होती है कि नॉट टू बी अप्लाइड ऑन दी ओपन वुंड्स और ब्रोकन स्किन, बट लिनिमेंट्स में ये आपको जो बॉटल है उस पर ये लेबलिंग पे मिलेगा। और दूसरा डिफरेंस है कि जो लोशंस हैं उनको विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, और जो लिनिमेंट्स हैं उसको विद फ्रिक्शन स्किन पर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज, लोशन शुड बी स्टोर्ड इन वेल फिल्ड, वेल क्लोज्ड, इन अ एयर टाइट कंटेनर्स, इन अ कूल प्लेस। एंड सेम यही केस है लिनिमेंट्स के लिए। लिनिमेंट्स शुड बी स्टोर्ड इन वेल फिल्ड, वेल क्लोज्ड, इन अ एयर टाइट कंटेनर, इन अ कूल प्लेस। तो ये तो हमारा लोशन और लिनिमेंट्स के बारे में। इफ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन।